मिहिर अपने रूम से निकलकर सीधा हॉस्टल की पार्किंग एरिया की तरफ चला गया और उसने अपनी कार निकाली और स्टार्ट करके अपने जुहू वाले विला की तरफ चला गया। बंगले की तरफ जाते हुए रास्ते में मिहिर ने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो उसे याद आया कि अभी तो आलिया अपने ऑफिस में होगी, क्योंकि अभी उसका घर वापस आने का टाइम ही नहीं हुआ है। टाइम देखकर मिहिर ने अपने आप से कहा, अरे आलिया तो अभी तक घर पर आई ही नहीं होगी, और मैं पहले से ही वहां चला जाऊंगा तो फिर उसे पता चल जाएगा और फिर कोई सरप्राइज नहीं दे पाऊंगा मैं उसे, इसलिए अभी मैं सीधा मूनलाइट होटल चला जाता हूं, उसके ऑफिस। हाँ ये ठीक रहेगा। इतना बोलते हुए मिहिर ने अपनी कार मूनलाइट होटल की तरफ मोड़ दी और उस तरफ बढ़ गया। कार ड्राइव करते हुए मिहिर ने अपना फेवरेट सॉन्ग प्ले किया और गाना सुनते हुए मिहिर को पता ही नहीं चला कि इतनी जल्दी कब वो होटल पहुंच गया, क्योंकि उसकी ये नई कार बहुत तेज चलती है। मिहिर आलिया को यहां पर आकर सरप्राइज देना चाहता है, इसलिए उसने उसे फोन नहीं किया और वो आलिया को ढूंढने के लिए ही सीधा होटल के अंदर आया और लिफ्ट से ऊपरी मंजिल की तरफ जाने लगा। होटल स्टाफ ने पहले भी कई बार मिहिर को यहां आलिया के साथ आते जाते देखा है, तो वो सब मिहिर को पहचानते हैं और उन्हें पता है कि मिहिर का आलिया के साथ कोई रिलेशन है, इसलिए किसी ने भी मिहिर को होटल के अंदर जाने से रोका नहीं। मिहिर लिफ्ट से बाहर निकलकर आलिया के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा, तभी स्टाफ की एक लड़की ने मिहिर की तरफ आते हुए कहा, हेलो सर, आप अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए यहां पर आए हैं ना, और उन्हें ही ढूंढ रहे हैं ना? मिहिर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही पता है हम दोनों के बारे में, वैसे आलिया को ये मत बताना कि मैं यहां पर हूं। उस लड़की ने भी स्माइल करते हुए कहा, ओके सर, और मिहिर की बात पर अपना सिर हिलाते हुए वहां से चली गई। दूसरी तरफ मिहिर भी आलिया के बारे में सोचता हुआ कुछ और एक्साइटेड होकर उसके ऑफिस की तरफ बढ़ा, और ऑफिस के सामने पहुंचकर वो दरवाजा खोलकर अंदर जाने ही वाला है, लेकिन तभी उसने ऑफिस के अंदर से आती हुई एक आदमी की आवाज सुनी, आलिया मुझे लगता है कि हमें नहाने के लिए जाना चाहिए। बाहर खड़े हुए मिहिर ने अपने कानों से ये बात सुनी, लेकिन फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ और उसके दिल में कहीं अचानक से दर्द हुआ। कोई भी आदमी आलिया के साथ इस तरह की बात कैसे कर सकता है, और आलिया उसे कुछ बोल भी नहीं रही है। मिहिर हक्का बक्का रह गया है। तभी आलिया की आवाज आई, मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत है। मिहिर ने यह सुनकर थोड़ी राहत की सांस ली। उस आदमी ने कहा, अरे ध्यान से देखो, ये पहले से ज्यादा गंदा है, इसे धोने की जरूरत है। आलिया की आवाज आई, ठीक है, पर क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, मेरे साथ आओ। उस आदमी ने खुश होते हुए कहा, आई वुड लाइक टू हेल्प यू। उसके बाद उन दोनों के हंसने की आवाज आई और फिर मिहिर का दिल एकदम से बैठ गया। उसके आगे कुछ भी सुनने की उसकी हिम्मत नहीं हुई और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आलिया किसी के इतना करीब आ चुकी है कि वो दोनों इस तरह एक साथ नहाने की बात कर रहे हैं। मिहिर को यह सब सुनकर हैरानी के साथ में गुस्सा भी बहुत आ रहा है, और उसका मन किया कि वो जल्दी से दरवाजा खोलकर सामने खड़े उस आदमी को देखे और आलिया और उस आदमी दोनों को ही बहुत कुछ बोले और उन पर चिल्लाए। वो आलिया से सवाल पूछना चाहता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, क्या इतने दिनों तक मिहिर और आलिया के बीच जो रिश्ता बना वो सब झूठ है, क्या उन सब की कोई अहमियत नहीं, क्या आलिया मिहिर को पूरी तरह से भूल गई है। अपने मन में ये सब सोचकर आलिया से सवाल करने के लिए मिहिर ऑफिस रूम का दरवाजा बस खोलने ही वाला है, लेकिन फिर उसके मन में एक ख्याल आया कि अगर उसने दरवाजा खोला और सामने कुछ ऐसा देख लिया जैसा वो ये बातें सुनकर सोच रहा है, तो वो सब देखने की हिम्मत अभी मिहिर के अंदर नहीं है, इसलिए वो चुपचाप वहां दरवाजे से ही वापस पलट गया। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसने उन्हें आंखों से बाहर निकलने से पहले ही पूछ लिया और होटल की लॉबी में चलते हुए आगे बढ़ गया। मिहिर इस वक्त बहुत ज्यादा उदास है, और उदास के साथ ही उसके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। मिहिर अपने आप से वो सारे सवाल करता हुआ बोला, क्यों आलिया, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा, क्या हमारे बीच जो भी रिश्ता है तुम्हारी नजर में वो अब तक कुछ भी नहीं है जो तुम यहां पर किसी और के साथ ऐसे, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई, एक बार भी नहीं। मिहिर को वहां से बाहर निकलने का रास्ता भी साफ समझ नहीं आ रहा, फिर भी किसी तरह अपने ख्यालों में डूबा हुआ मिहिर होटल के बाहर निकलने वाले गेट तक पहुंचा और बाहर बैठे हुए सिक्योरिटी गार्ड ने भी मिहिर को नोटिस किया। वो बहुत ही अजीब सा लग रहा है, और सिक्योरिटी गार्ड आगे बढ़कर उसका हाल चाल पूछने के लिए उठा,
लेकिन मिहिर उसे पूरी तरह से इग्नोर करके आगे बढ़ गया और सीधा अपनी कार की तरफ चला गया। लेकिन चाह कर भी वो शांत नहीं हो पाया और उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई कार की चाबी को कार में लगाकर कार स्टार्ट करने की कोशिश की। लेकिन 2-3 बार कोशिश करने के बाद भी कार स्टार्ट नहीं हुई तो मिहिर ने गुस्से में कार की स्टेयरिंग पर एक पंच मारा और अब मिहिर की आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर बह रहे हैं। मिहिर को वहां कार के अंदर बैठा हुआ कोई देख नहीं पा रहा और मिहिर कुछ देर तक उसी तरह उस बात पर गम मनाता हुआ रोता रहा। उसे कुछ शांत होने में लगभग आधा घंटा लग गया और आधे घंटे के बाद उसने एक बार फिर से कोशिश करके अपनी कार स्टार्ट की और इस बार कार स्टार्ट हो गई और मिहिर वो होटल की पार्किंग लॉट से बाहर निकल गया। मिहिर कार स्टार्ट करके होटल से बाहर निकल गया लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि वो कहां जाए और कहां नहीं। मिहिर ने अपने जुहू वाले बंगले के लिए सोचा लेकिन वो जगह भी उसे आलिया की याद दिलाती है और साथ ही उसे इस बात का डर है कि आलिया ऑफिस से वापस आएगी और मिहिर को वहां देखकर आलिया उससे अपना रिश्ता तोड़ने के लिए बोलेगी क्योंकि वो अब किसी और के साथ है। इन सब के बारे में सोचते हुए मिहिर ने कहा, नहीं, मैं वहां वापस नहीं जाऊंगा। अगर आलिया ने मुझे देखते ही इस बारे में बात की तो फिर मैं क्या करूंगा। मिहिर ने अपने मन में यह सब सोचा और फिर थोड़ी देर तक उसी तरह कार ड्राइव करता रहा। लेकिन फिर वो अपने जुहू वाले बंगले से थोड़ा पहले एक पार्क के पास रुक गया और अपनी कार वहां छोड़कर वो पार्क में ही टहलने लगा। वो जगह उसके घर से पास में है लेकिन उसका घर वापस जाने का मन नहीं हो रहा क्योंकि वो आलिया का सामना नहीं करना चाहता। उस पार्क की एक बेंच पर बैठते हुए मिहिर ने अपना सिर अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है? मैं तो वीकेंड पर आलिया को सरप्राइज देने के लिए यहां आया था लेकिन मुझे खुद ही इतना बड़ा शौक मिल गया। अगर आज मैंने ऑफिस में वो सब ना सुना होता तो इस वक्त मैं और आलिया अपने विला में एक साथ शॉपिंग के लिए जाते, रात का खाना बनाते, बैठकर बातें करते और टीवी देखते। लेकिन नहीं, ये सारी खुशियां अब मेरे लिए नहीं है। ये सब सोचते हुए मिहिर ने अपना सिर उठाकर आसपास देखा तो उस पार्क में भी उसे
इसलिए कहीं और घूम रहे हो। मिहिर ने अपनी आंखों में भरे हुए आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं मैं और कहीं भी नहीं घूम रहा, मैं बस यहां आगे वाले पार्क के पास हूं और कुछ ही देर में घर पहुंच जाऊंगा। आलिया ने मजाक करते हुए कहा, ठीक है तुम्हें काम से बचने के लिए वहां रहने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही रात का सारा खाना बना लिया है, इसलिए अभी तुम सीधा घर आ सकते हो। आलिया की बात सुनकर मिहिर समझ गया कि उसे आलिया का सामना तो करना ही है, वो उससे ज्यादा देर तक दूर भाग नहीं सकता, इसलिए उसने आलिया से कहा, ठीक है मैं बस पहुंच रहा हूं। आलिया ने जल्दी से कहा, ओके आई एम वेटिंग, और इतना बोलकर उन दोनों ने ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और मिहिर उस पार्क से निकलकर वापस अपनी कार स्टार्ट करके विला की तरफ बढ़ गया। तो क्या होगा आगे, ये जानने के लिए सुनते रहिए रईस ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।